तो भगवान जो है एकादशी का महात्म्य वेदव्यास जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। तो राजा परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई कि एकादशी क्या है भाई, जरा इसके बारे में जाने। तो नंद बाबा एक दिन एकादशी का व्रत किए हुए थे महाराज, और निराहार थे। तो हमारे यहां जो मूल एकादशी का व्रत बताया गया है वह सवेरे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और ब्रह्म मुहूर्त तक व्रत बताया गया है। ये नहीं कि दिन में व्रत किए और रात में फिर खा लिए, वो भी व्रत नहीं है। तो एकादशी का व्रत नंद बाबा कर रखे थे, तो उस समय स्नान करने के लिए लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। तो पहले तो घड़ी वड़ी थी नहीं, मोबाइल वोबाइल था नहीं, तो नंद बाबा को लगा चांदनी रात थी, तो अर्ध रात्रि में ही लगा कि उनको ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। अर्ध रात्रि में यमुना स्नान को चले जाते हैं नंद बाबा। जैसी यमुना में डुबकी लगाते हैं महाराज, तो शास्त्र संकेत करता है कि अर्ध रात्रि में कभी भी गंगा में यमुना में कोई भी तीर्थ हो, कोई भी नदी हो, कोई भी तालाब हो, कोई भी कुआं हो, वहां स्नान नहीं करना चाहिए, निषेध माना गया है। दूसरा, कभी भी अर्ध रात्रि में 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद राक्षस नहाते हैं, 12 बजे के बाद रात्रि में राक्षस लोग भोजन करते हैं, और आजकल लोगों का तो मतलब रात्रि 12 बजे से ही शुरुआत होती है, 12 से 4 बजे तक लोग खाते हैं, आनंद लेते हैं, और दिन दोपहर 12 बजे के बाद सो के उठते हैं। तो नंद बाबा जो है वो रात में यमुना स्नान के लिए गए। तो इसलिए कभी भी अगर कहीं तीर्थ में जाओ और तुमको सुबह ही भागना हो, मान लो 4 बजे की फ्लाइट हो आपकी और आप 12 बजे पहुंचे ही गंगा जी, अब लगे कि गंगा जी आया हूं स्नान ना करूं तो अच्छी बात नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मत करना महाराज, क्योंकि तो उस समय जल शयन करता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए, और हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है दरस परस मज्जन करीमाना। सिर्फ स्नान करने से ही फल नहीं मिलता महाराज, जितना स्नान करने से फल मिलता है उतना ही गंगा जी को देख लेने से मिलता है, उतना ही गंगा जी का जल लेकर के आचमन कर लेने से मिल जाता है। इसलिए अगर स्नान नहीं भी कर पायो तो दर्शन हो गया तो वहीं से प्रणाम कर लो। तो जैसी गंगा यमुना जी में डुबकी लगाया नंद बाबा ने, वैसे ही वरुण देवता के दो पार्षद आए और नंद बाबा का दोनों हाथ पैर बांध करके और वरुण लोक लेकर के चले गए। गलत किया था उन्होंने, अब भगवान कृष्ण को पता चला कि हमारे पूज्य पिताश्री को वरुण के दूतों ने वरुण लोक लेकर के चला गया। बड़ा क्रोध आया कि मैं जिनका बेटा साक्षात नारायण हो, उस वरुण की इतनी क्या ताकत। देखो ये भी मंत्रालय है हमारा, जैसे यहां मंत्रालय बना हुआ ना, ये सब हम लोगों के धर्म के आधारित है। एक मेन हो गए नारायण, तो वो मेन हो गया पीएम, उसके बाद गृह मंत्री, तो कोई अग्नि का, तो कोई पांच जल मंत्री, तो कोई पशुपालन मंत्री, तो कोई सब अलग कृषि मंत्री, तो सबका अपने देखो देवता। हमारे यहाँ वरुण देवता अलग है, अग्नि देवता अलग है ना, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसी तरह यहाँ भी सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, और जिसके अगर आपका बिजली का है तो बिजली के यहाँ जाओ, पानी का है तो पानी के यहाँ जाओ, है ना, कृषि का है तो कृषि के यहाँ जाओ। उसी तरह हमारे देवताओं में है,
अगर जल की वृष्टि चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, है ना। आग लग गई हो तो अग्नि को शांत करने के लिए अग्नि की प्रार्थना करो। तो इस तरह की चीजें हमारे यहां, तो भगवान कृष्ण को जब पता चला तो वह वरुण लोक गए और वरुण को कहा कि तेरी इतनी सामर्थ, मेरे पिता को तुमने बंदी बना रखा है। बोले प्रभु भूल हो गई, मुझे क्या पता कि ये आपके पिता हैं। चरणों में गिर पड़े वरुण देव, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा, साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के चरणों में कहा कि प्रभु इस दास को माफ करिए। भगवान ने जो है सो अपने पिता को मुक्त कराया और पुनः गोकुल धाम लेकर के भगवान कृष्ण आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाकी बिहारी लाल की जय हो। भगवान एक से एक लीला, ऐसी ऐसी लीलाओं को देख करके नंद बाबा, माँ यशोदा सब लोग जो है आनंदित होते हैं और फिर तुरंत भूल जाते। भगवान लीला भी दिखा देते कि मैं भगवान हूं। माँ यशोदा को पूरा मुख खोल करके दिखा दिया कि सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर है, मैं ही, मेरे अंदर ही सारी कुछ है। लेकिन देखने के बाद उस समय देखी कि ये भगवान है, उसके बाद फिर वो मन से फिर सारी चीजें हट गई। अगर रहे तो वो मानेगा, वो तो फिर माँ जो है उसी की सेवा करने लग जाएगी, ठाकुर जी की, तो फिर लीला कैसे होगी। लीला करने के लिए उसको तो भूलना पड़ेगा, तो माँ फिर भूल जाती है। बाबा भी सब भूल गए कि क्या हुआ वरुण लोक में।